हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैंने बिल्कुल नया रेसिपी लाया है आपके लिए, जो घर में ही सोयाबीन चाप बनाने का रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है, ये मैदा लिया है मैंने। आप आटा या मैदा कुछ भी ले सकते हो जो आपके पास हो। तो इसको पहले हम सान के रख लेते हैं, सान लेते हैं, गूंथ लेते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस टाइप में हमें गूंथना है। तो ये आवाज़ जो पीछे आ रही है ना, ये ट्रेन जा रहा है हमारे इधर से, तो इसलिए ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, इसको मैंने गूँथ लिया। अब इसको हमें 12 घंटे, ये रात में मैं गूँथ रही हूँ, तो अब इसको मैं पूरी रात छोड़ दूँगी ढक के। तो अब इसको हम सुबह देखेंगे। तो ये देखिए, सुबह हो चुकी है। तो अब ये आटा देखिए हमारा इस टाइप का हो चुका है। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसा हो चुका है। तो अब इसको हम अच्छे से ना मिलाएंगे, जैसे हम गूंथते हैं ना, इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं, आटे को बहुत अच्छे से गूंथ लेते हैं। थोड़ा टाइट है, चम्मच टाइप होता है ना, मैदा लिया है मैंने, और बहुत ही अच्छा बनता है घर में। तो ये आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने कहा जो कई बार हमें जो दुकान जाने का मन नहीं होता है, तो क्यों ना हम घर पे ही बना लिया जाए, है ना। तो अगर आप एक बार ये ट्रिक देख लोगे ना, तो आगे से दुकान से नहीं जाओगे लेने, घर पे ही बनाओगे। मैं भी जब से बनाने लग गई हूँ तो घर पे ही बना लेती हूँ, बाहर नहीं जाती लेने। और घर में अपने आँखों के सामने अच्छे से बना भी लेते हैं, है ना। दुकान वाले पे कई बार नहीं होता है, या फिर बर्फ़ जमे होते हैं तो हमें पसंद नहीं होता, मजबूरी में लेना पड़ता है ना। तो इसको देखिए अच्छे से मैं मिला ली हूँ। अब देखिए छूने पे बिल्कुल भी पतीले में भी नहीं लग रहा। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो तो ये बहुत गलत बात है। लाइक करना सबसे पहले, जैसे ही चैनल पे जाते हो वीडियो के स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, ताकि आप भूलो ना, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। फिर आप कई बार हम देखते देखते भूल जाते हैं, तो वो भूलना नहीं है। तो ये देखिए मैदा को गूंथ लिया। तो अब एक कढ़ाई में मैंने पानी लिया है, आपके पास टब हो तो टब में ले लीजिए। मैं अब इसको गूंथे हुए आटे को इस पानी में डाल दी हूँ। तो ये देखिए, अब इस पानी में हमें करना क्या है, अब इस पानी में इसको हमें ऐसे ही, तो ये देखिए इसको हम अच्छे से धो लेते हैं आटे को। थोड़ा हाथ में भी चिपक गया है, तो पहले मैं इसी पानी से धो लेती हूँ। देखिए इसी टाइम सबको आना है, अभी ये स्टेशन मास्टर भी बोलने लग गए। तो इसको थोड़ा आराम आराम से धोना है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप जल्दबाजी ना करें। जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा बनेगा। तो इसको हमें ऐसे धीरे धीरे धोना है। देखिए ये धोते धोते इस टाइप में हो रहा है ना, अभी आप देखते रहिए धोते धोते कैसा हो जाएगा। लेकिन इसको ना पानी बदलते रहना बीच में। पहले तो मैं इसमें धो लेती हूँ अच्छे से, इसको 3 से 4 पानी में हमें बदल बदल के धोना है। ये आप देख सकते हैं, धो रहे हैं ना तो पिचकारी जैसे पानी उड़ता है। तो इसको अच्छे से हम धो लेते हैं पहले। ये देखिए अब ये धोते धोते जो पानी में धो रहे हैं हम, वो पानी थोड़ा गाढ़ा टाइप हो गया। तो अब इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी। और ये देख रहे हैं आप कैसा हो गया है, ये देख सकते हैं ना। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और ये पानी फेंक के दूसरा पानी बदलना है मुझे।
तो इसको इसी तरह से मसलते रहना है पानी में। ऐसे नहीं मसलोगे तो फिर वो छूटेगा नहीं ना, तो ऐसे करके मसलते रहना है पानी में। ये नहीं जो हमने धो लिया ऐसे मसल मसल के धोना, उससे क्या होगा ना इसका जो मतलब वो पाउडर रहता है वो अलग हो जाएगा और हमें जो चीज़ चाहिए वो अलग हो जाएगा। तो ये मैं अब छान के इसमें रख के फिर से पानी बदल ली। ये देखिए ये फिर दूसरा पानी इसमें डालूंगी और फिर इसमें भी मेरे को उसको अच्छे से धोना है वैसे ही। तो इसमें भी इसको हम बिल्कुल रगड़ेंगे मांजेंगे, हमें इसको चमकाना है बिल्कुल बिल्कुल इसको अच्छे से चमकाना है। तो ये देखिए इसमें भी अभी कलर छोड़ रहा है यानी अभी धुलेगा। और ये प्लेट को भी धो लेती हूँ मैं। तो ये मैंने दूसरे पानी में धोया है। अभी मैं जितना पानी लूँगी ना उतना दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मैं अच्छे से बिल्कुल इसको कोई झूठ नहीं दिखाना चाहती आपको जो हाँ ये देखो एक पानी में धो के कर दी, हाँ देखो धुल गया हमारा, ऐसा नहीं है। जितने बार मैंने पानी लिया है आप भी वैसे ही ट्राई कीजिएगा तो बिल्कुल सेम मेरे ही तरह बनेगा। तो ये देखिए ये तीसरी बार पानी लिया है मैंने, अब तीसरी बार इसको धोऊंगी मैं अच्छे से। तो अब देखिए दूसरी बार में भी देखा था आपने और ये तीसरी बार में भी देखिए, पहली बार में छितरा गया था, दूसरी बार में ये थोड़ा वो हो गया, अब ये तीसरी बार जो पानी लिया है इसमें ऐसा है चिमट चिमट वाला हिस्सा हमारा इसमें अच्छे से, और अब पानी भी उतना ज़्यादा सफ़ेद नहीं हो रहा है। तो अभी इसको मेरे को अच्छे से मसल मसल के धोना है। थोड़ा हाथ मेरा दुख गया है इस टाइम क्या कहूँ। तो देखिए इसको अच्छे से मसलना है ताकि ये पूरा मिल भी जाए, और जितना हम इसको मसल मसल के धोए तो उतना ये वो मिल रहा है, कहीं कोने में भी नहीं बचेगा फिर। तो ये देखिए ये धुल चुका है। जो भी मेरे को यूनिक चीज़ लगती है मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके मुझे बताना जो आगे की वीडियो आप क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में पसंद करेंगे, कौन सी रेसिपी, तो मैं उसके उसकी रेसिपी ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बताना जो किस चीज़ के बारे में मैं लेके आऊँ वीडियो। ये तो मैं अपने मन से जो मुझे यूनिक लगता है तो मैं सोचती हूँ इसकी चलो वीडियो बनाते हैं। तो अब इसको मैं अब धुल चुका है ये मेरा, तो अब इसको मैं इस बाउल में रख लेती हूँ। पानी निचोड़ रही थी, ये सोयाबीन बड़ी लिया है मैंने, 250 ग्राम सोयाबीन बड़ी ली हूँ। तो अब इसको मैं पीस लूँगी। ये देखिए मिक्सर में मैंने इसकी पीस के पाउडर बना लिया है, और मैदा लिया था मैंने 1 किलो लाई थी तो 1 किलो में थोड़ा सा मैंने यूज किया था, तो 3 पाव के करीब मैदा है और 1 पाव है सोयाबीन बड़ी हमारी। तो इसमें 1 पाव सोयाबीन बड़ी और 1 किलो मैदा में हमारा सोयाबीन चाप कितना बन के तैयार होता है तो ये हम देखते हैं। तो अब ये हम सोयाबीन का जो पीसे हैं पाउडर बनाए हैं
ये जो हमने इसमें धुला हुआ आटे में इसमें मिलाएंगे एक एक थोड़े थोड़े करके। इसको हमें बिल्कुल अच्छे से इसको गूथना है ताकि ये सारा इसमें मिल जाए, पाउडर बिल्कुल मिल जाने चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है इसमें मिलाने में, ये नहीं जो थोड़ा बहुत मिल गया तो छोड़ो अब कौन करे इतना मेहनत, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी चीज़ बनेगी। आप ये काम के टाइम में मत बनाइए, जब आप फ्री हो दोपहर में या रात में जब सब सो रहे हैं तब आप कर सकते हैं ये काम। ये बना के रख लें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैं काम के टाइम में नहीं कहूँगी इसको बनाने के लिए, जब आप फ्री हो तब बनाओ। तो ये देखिए इसको ऐसे ऐसे करके छुरा छुरा के पूरा अंदर तक हमें इसको मिलाना है सारे में, ये आटा का कलर बदल जाएगा। तो इसको अच्छे से मिलाना है गूंथ के। तो ये देखिए मेरा सारा मिल रहा है ना, अब थोड़ा सा बचा है तो थोड़ा सा ही अब मिलाना रह गया मुझे। इसको ऐसे ही खींच खींच के अलग अलग करके तब उसके अंदर मिलाना है, ये नहीं जो हम ऊपर से ही नहीं मिल रहा है। पानी नहीं डालना बिल्कुल, पानी वो ऑलरेडी छोड़ता है खुद ही, क्योंकि हमने पानी में धोया था ना तो पानी उसने पकड़ रखा है पहले से ही, उसी में ये मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया ना, आपके सामने ही मिलाई हूँ मैं, बिल्कुल मैंने वीडियो को रोका नहीं है। जैसे मैंने बारी बारी किया है पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है इसको। तो ये देखिए अब ये मिल चुका है अच्छे से, ऐसे ही करके मिलाना है बिल्कुल आपको भी, तभी आपका सोयाबीन चाप अच्छे से शेप लेगा। तो अब देखिए पूरा साफ हो चुका है, मेहनत लगी है, मैंने पैरों से पकड़ रखा है पतीले को, बहुत दम लगा के वो कर रही हूँ, क्योंकि ये आटा थोड़ा वो हो जाता है ना टाइट सी चिमट सी, ये देखिए चिमट सा लग रहा है ना, बिल्कुल चिमट। और ये सोयाबीन को हमने मिला दिया पाउडर तो उससे ये और ज़्यादा वो हो गया है। ये देखिए ऐसे करके इसको मिला लिया मैंने, तो अब ये लगभग हमारा आटा तैयार हो चुका है। हाँ अब ये आटा मेरा तैयार हो चुका है, इसको हम तो अब देखिए अब आप देख सकते हैं, देखने में लग रहा है ना जो आटा तैयार हो चुका है। आपको दिखाती हूँ मैं खींच के, तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है ये। अब ये हाथ में भी नहीं लगेगा, ये देखिए ये लिया है मैंने सीख जिसमें हम सोयाबीन चाप बनाएंगे। तो ये आपको दुकान से मिल जाएगा, और नहीं दुकान से मिलता है तो एक बच्चों की चीज़ आती है 5 रुपये की आती है, 1 रुपये की आती है, तो मैंने तो वही 10 बच्चों के लिए टॉफ़ी मंगवा दिया था, टॉफ़ी ये लोग खा गए और सीख मैंने रख लिया निकाल के उसमें से। तो अब इसमें मैं लपेट दूँगी, ये देखिए ऐसे करके हमें इसमें लपेटना है। अब ऐसे ही करके हमें इसको लपेट के साइड में रखते जाएंगे, और एक्स्ट्रा आटा हटा दीजिए, ये नहीं जो जितना लिया है सब लपेट दे, एक्स्ट्रा जो लगे आपको वो हटा लेना। तो ये एक तैयार हो गया है, तो ऐसे ही करके हम बारी बारी सारे में लपेट लेते हैं।
देखिए ये भी लपेट लिया मैंने। इसको खींच खींच के, ज़्यादा मत खींचना लेकिन कोशिश करना खींच खींच के लपेटने की, क्योंकि ना वो चिमट होता है ना, तो अगर आप मोटा मोटा कर दोगे तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसलिए जो लोई लेते हो ना उसको खींच खींच के करना। तो ये देखिए ये सारे मेरा बन चुका है, तो ये मेरा बन चुका है, मेरा 1 किलो के करीब सोयाबीन चाप बना है। तो ये कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने ये 1 किलो के करीब है, तो कढ़ाई में अब हम गर्म पानी करेंगे। ये देखिए खोलने लग गया गर्म पानी, तो अब इसको हम इसमें उबाल लेंगे, सारे को हम डाल देंगे सोयाबीन चाप को जो हमने बनाया है। अब इसको उबाल लेना है, तब ये डाल दिया है हमने। इसको 2 से 3 मिनट ढक के छोड़ देना है तेज़ आंच पे, 2 से 3 मिनट तक इसको उबालना है। तो ये देखते हैं अब हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो देखिए फूल चुका है ये हमारा, अभी पहले देखे थे आपने, अब ये देखिए शेप इसकी बदल चुकी है, दोगुना हो गया उससे। तो अब ये हमारा सोयाबीन चाप तैयार है। अब इसको हम सब्ज़ी बनाने के, अभी हम सब्ज़ी नहीं बनाएंगे इसको, इसको पहले हम ठंडा करेंगे। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए पक चुका है, गरम है, ये देखिए प्लेट में ये निकाल दिया मैंने। तो ये मेरा 1 किलो, पूरे 1 किलो बना है सोयाबीन चाप, 1 पाव सोयाबीन से 1 किलो सोयाबीन चाप बना है। तो उसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप बना सकते हो घर पे। अब इसको फ्रिज में हमें ठंडा करना है, 2 से 3 घंटे तक इसको छोड़ देंगे, अब फिर हम उसके बाद तैयार है हमारा बनाने के लिए।